कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है बिरयानी। और बिरयानी नॉर्मली बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, बम्बई बिरयानी, सिंधी बिरयानी और बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं बिरयानी के अंदर। बट आज जो हम बना रहे हैं वो है सिंधी बिरयानी। और बिरयानी चाहे कोई सी भी हो, हर किसी की फेवरेट डिश होती है, स्पेशली मेरी तो बेहद है कि कुछ भी ना हो आपसे बिरयानी दे दें तो बस काफ़ी। और होपफुली ये सबके साथ ही होता है ऐसा कि बिरयानी में सबकी जान अटकती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज हम बिरयानी बनाना। और सिंधी बिरयानी के लिए जो जो अज्जा हमें चाहिए वो हैं 2 कप हमने चिकन ली है विद बोन्स, 1.5 कप हमने राइस लिए हैं। इन राइस को मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने 2-4 लौंगे और 3-4 काली मिर्चें, 1-2 बादियान के फूल, 1 तेज़पात और 1 बड़ी इलायची डाल के इसको बॉईल कर लिया है। और ये देखें ये काफ़ी हद तक हैं, डन हो चुके हैं। बस 70% इनको डन करना है। इसको मैंने एक कनी छोड़ दी है, सबको नॉर्मली चावल बॉईल करने आते हैं। और इसमें मैंने साथ में नमक भी ऐड किया है। नमक आपको अपने हिसाब से रखना है, नॉर्मली जो राइस की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप 1 चम्मच डालते हैं तो आप उसमें 3 चम्मच डालें, क्योंकि आपको ये ड्रेन करना होता है पानी। तो जब आप पानी ड्रेन कर देते हैं तो जो नॉर्मल मिकदार ज़रूरत होती है राइस के लिए वो इसमें बैलेंस हो जाती है, बाकी एक्स्ट्रा का सॉल्ट निकल जाता है। तो जो नॉर्मल क्वांटिटी है उससे डबल डालें आप। इसके साथ साथ जो मसाले चाहिए वो हैं 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर, 4 से 5 आलू बुखारे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंगे, 2 हरी इलायची, 3 बादियान के फूल और 8-10 काली मिर्चें। हमने करना ये है कि इन तमाम स्पाइसेस को, आलू बुखारों को हटा के इनको ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर मशीन में और एक पाउडर बना लेना है। इसके साथ साथ जो हमें स्पाइसेस चाहिए उसमें हैं कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच भर के, नमक हसबे ज़रूरत, 1/4 चम्मच हल्दी और 2 हरी मिर्चें जिनको हमने बीच में से यूँ कट लगा लिया है। इसके साथ साथ 1 चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 2 चम्मच लेमन जूस चाहिए, 1/2 कप हमें दही का चाहिए। वो देते तमाम स्पाइसेस। अब इसका जो मसाला बनाएंगे उसके लिए हमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी, आप चाहें तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं। कट करने में ये होता है कि जो साबुत साबुत से टमाटर जो आते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है बिरयानी में, मगर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। मुझे इस वक्त पीस के डालूंगी मैं इसके अंदर। और ये 1 कप जो है ये आलू, हाँ जो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा जो मैंने बताया है कि ये सिंधी बिरयानी में आलू इस तरह से जर्दे के रंग में बॉईल करके डाले जाते हैं। और सिंधी बिरयानी की जो बेसिक चीज़ है वो चिकन या बीफ या मटन के साथ वो आलू के, सिंधी बिरयानी में आलू लाजमी डलता है। और इसकी लेयर लगाते वक्त हमें ये धनिया पुदीना चाहिए। अब हमें करना क्या है, मैंने एक पैन में ऑयल गरम करके प्याज फ्राई होने के लिए रख दी है। अब ये करना, इतने प्याज फ्राई होती है इतने में जो हमारे ये मसाले हैं इनका मैं पेस्ट बना लेती हूँ, मतलब ब्लेंड कर लेती हूँ पाउडर फॉर्म में ब्लेंडर मशीन में। ये देखें ये हमने जो हमारे ड्राई मसाले थे, जो हमारे गरम मसाले थे, वो इनको मैंने इस तरह से ये पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अब जो इस नमक में पिसा धनिया वो सब इसमें ऐड कर देंगे हम। ये देखें ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और आप इसकी अभी बिरयानी सिर्फ मैंने मसाला ही मिक्स किया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे थोड़ा सा धनिया भी आ गया है, जैसे बिरयानी के मसालों की पैकेट्स में आती है ना ये, बिल्कुल वैसे इसकी स्मेल आ रही है। ये देखें आप, ये हमारा जो है बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी है। चाहे तो आप ज़्यादा मिकदार में बना के इसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं,
कम से कम एक महीने के लिए, लेकिन ये अभी मैंने बस जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही बनाया है। प्याज भी तैयार है अभी, ये देखिए हमने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमने थोड़ी सी प्याज ऑयल में रहने दी और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे और इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया और इसको हम तेज़ आँच पे अदरक लहसुन के साथ 4 से 5 या 2 से 3 मिनट बस इसको फ्राई करेंगे, बस का कलर चेंज हो जाए तब तक। देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और जो पिंक सा कलर था चिकन का वो ख़त्म हो गया और ये थोड़ी वाइटिश हो गई। अब इसमें हम करेंगे जो हमारे पिसे हुए टमाटर हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ जो हमने अपने स्पाइसी बिरयानी मसाला बनाया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे थोड़ा सा धनिया तो थोड़ा सा पुदीना हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखेंगे हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसको हम थोड़ी सी तेज़ आंच पे दही डाल के, देखो मैंने दही डाल दी, दही डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद इसकी लेयर्स लगा देंगे। ये देखें ये चावल मैंने काफ़ी देर पहले बॉयल किए थे, 1 से 1.5 घंटा पहले, तो ये बिल्कुल ठंडे हो गए। इसके 2 तरीके, एक तो आप इसको जब हम दम पे लगाएंगे तभी इसको गर्म कर लें, या अगर जल्दी है आपको तो आप इसको माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कर लें तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद इसकी लेयर्स लगा दें आप। इस स्टेज पे हम इसमें जो हमारे बॉयल पोटैटो हैं वो भी ऐड कर देंगे ताकि जो मसालों का टेस्ट है वो भी उसके अंदर आ जाए। ये देखिए हमने इसमें बॉयल पोटैटो भी ऐड कर दिए हैं ताकि जो मसाले हैं, क्योंकि ये उबले हुए आलू है ना, ताकि इसके अंदर मसालों का टेस्ट भी भरपूर तरीके से आ जाए। चले मैं इसको आपको भून के फाइनल दिखाती हूँ। ये देखें ये इसमें जो ये थोड़ी सी ग्रेवी है ना, ये छोड़नी है, बिल्कुल स्टिक नहीं करना बॉटियों पे, क्योंकि ये चावलों में इजीली मिक्स होगी तो फिर आपको बिरयानी के टेस्ट को इन्हेंस कर देगी। तो चलें इसका जो लेयर है वो लगाते हैं। ये देखें ये हमने जिसमें हमने ग्रेवी या इसका मसाला रेडी किया है उसी में हमने इसकी लेयर्स लगा देंगे। आधा चिकन आप पहले डाल दें, थोड़ा सा इसमें से बचा लें। अब ये करना ये है कि थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, लेमन जूस। अब चाहें तो आप जो जर्दे का रंग है वो आप डायरेक्ट डाल दें या आप मिल्क में ऐड करके डाल दें, मैं तो ज़्यादातर डायरेक्ट ही डाल देती हूँ। अब जो ये हमारे लेफ्ट ओवर राइस हैं ये इसकी लेयर्स, ये इससे पहले मैंने ये जो राइस है माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट के लिए इसको गरम कर लिए थे। अब जो बाकी का ये सालन है चिकन का, इसमें इस स्टेज पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसमें केवड़ा या बिरयानी एसेंस वो भी डाल सकते हैं, बट इसमें जो जायफल जावेत्री डाली है उसको डालने के बाद आप में इसमें नीड ही नहीं है कि आप इसमें केवड़ा या एसेंस डालें बिरयानी। अब इसको आपने करना है कि तवा रख के 10 मिनट फुल आंच पे और ये देखें लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। मैंने 2 ही लगाई हैं, चाहे तो आप इसके ऊपर से राइस डाल सकते हैं बट
मैंने मसाला ऊपर ही छोड़ दिया, इसके ऊपर राइस नहीं डाले हैं, ठीक है। बीच में राइस की लेयर दें, जर्दे का रंग डाल दिया है। चाहे तो आप इसको ज़ाफ़रान भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क में ऐड कर लें, पानी में ऐड कर लें, बट मुझे ज़्यादा ऐसे बेहतर लगता है। इस तरह कहीं मसाले का थोड़ा येलोपन आता है, कहीं ऑरेंज कलर आता है, तो बिरयानी का वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। तो चलें इसको हम 10 मिनट तवे के ऊपर रख के फुल आंच पे गरम करेंगे ताकि इसमें भाप बन जाए, और फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। ये देखें इसमें कितनी अच्छी स्टीम बन गई है। अब मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ये देखें ये हमारी सिंधी बिरयानी तैयार है, जो कि हमने घर के मसालों से बनाई है। ये देखें आप, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको बिरयानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।